नमस्ते दोस्तों, जब होली के दिन हमारे कान ये सुनते हैं ना, बुरा ना मानो होली है, तो इस लाइन को सुन के हमारी बॉडी के अंदर एक अलग ही प्रकार का जोश आता है, एक नया उमंग आता है और एक अलग प्रकार की फीलिंग होती है। जो हमारे लिए जो हमारा दोस्त नाराज होता है ना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, बुरा ना मानो होली है। तो आज की इस वीडियो में हम उस त्यौहार के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें रंगों के त्यौहार के नाम से जाना जाता है। कौन? होली का त्यौहार दिवाली के बाद आने वाला सबसे बड़ा त्यौहार कहलाता है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर होली क्यों बनाई जाती है और इसका इतिहास क्या है, कहां पर इसका वर्णन मिलता है कि आखिरकार होली का यहां पे जिक्र हुआ है। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त नहीं करनी, हमें ये भी जानना होगा कि आखिरकार होली बुरी क्यों है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि होली अच्छा त्यौहार नहीं लगता मुझे, इसका रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आखिरकार ये बुरी क्यों है। इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड को कूल करते हैं ताकि मैं आप लोगों को नॉलेज फुल दे सकूं। अबे चल ना, अरे भाग भाग चल ना, क्या कर रहा है। तो अब हुआ आप लोगों का माइंड कूल, मैं देता हूं आप लोगों को नॉलेजफुल। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड की बात प्रजापति के साथ। आओ समझते हैं कि आखिरकार, सबसे पहले ये समझते हैं कि जो मार्च के महीने में जो होली का त्यौहार आ रहा है ना, ये किस डेट को आ रहा है। होली का त्यौहार लगभग 2 दिन का होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो होली होती है ना, जो होलिका का दहन होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे घर के अंदर जो गोबर होता है, जो गाय का गोबर होता है, उससे हम क्या नाम क्या बनाते हैं आप लोगों उसका क्या बनाते हैं हम लोग, उसे साधारण भाषा के अंदर बिलोकड़ियों के नाम से जाना जाता है। उन बिलोकड़ियों को हम तैयार करते हैं और उनको धूप में सुखा के एक रस्सी के अंदर डाल के उसे हम होलिका के जो दहन होता है ना, जिस तारीख को दहन होता है, तो वहाँ पे हम जाते हैं उसका दहन करने के लिए। इसके अगले दिन ही होती है ना वो होली होती है, जिसे राजस्थान की भाषा के अंदर दुलंडी या दुलुवहन के नाम से और कहीं कहीं स्थान पर जारंडी के नाम से भी जाना जाता है होली का त्यौहार। मार्च के महीने में होली 28 मार्च का होलिका दहन है और इसके बाद अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे 29 मार्च के रंगों की बौछार यानी कि धुलंडी खेली जाएगी। ये भर भर के होली का नाम लेके ही हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार का जोश आता है, एक अलग ही प्रकार का उमंग आता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि होली क्यों बनाई जाती है। होली बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न है जिसके बारे में आप मुझसे अच्छा भी जानते होंगे, आप लोगों को पता होगा, भगवान विष्णु की अपरंपार लीला से जो होलिका थी वो स्वयं भस्म होकर जल गई थी। इसी के दिन दोस्तों होली का पूजा की जाती है और होली को पूजा करने से क्या होता है दोस्तों, हमारे जो रोग होते हैं, जो हमारी बीमारियाँ होती हैं, वो दूर होती हैं। इसी के साथ में घर के अंदर सुख समृद्धि आती है, ये प्रतीक है होली की पूजा करने का। होली का त्यौहार किस तरह से बनाया जाता है, इस बात को समझने से पहले दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या समझना चाहिए, आखिरकार जो होली का जिक्र होता है वो इतिहास के अंदर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। आइए समझते हैं कि आखिरकार इतिहास के अंदर हम कहाँ जाएं कि जहाँ पे होली का त्यौहार, जो होली का फेस्टिवल है, उसके बारे में भी जानने को मिले। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि पुराने रिलीजियस बुक, जो धार्मिक ग्रंथ है, जो धार्मिक बुक है ना, उसके अंदर भी होली का वर्णन किया गया है। जैसे जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथाग्रामे सूत्र के अंदर, इसके अंदर भी होली का उल्लेख किया गया है, यानी कि इसके अंदर भी होली का वर्णन किया गया है। इसी के चलते जब यदि हम आगे बढ़ते हैं ना, तो नारद पुराण और भविष्य पुराण और न जाने कितने पुराण है जहाँ पे होली तो होली का उत्सव का जिक्र किया गया है। इसी के आगे चलते वन ऑफ द मोस्ट मुस्लिम इतिहासकार कौन, अलबरूनी का कहना है कि जो होली का त्यौहार है ना, वो ना केवल हिंदू धर्म में ही बनाया जाता है, बल्कि होली का त्यौहार ये मुस्लिम धर्म के अंदर भी बनाया जाता है। और यहाँ पे उन्होंने ये संज्ञा दी गई कि जैसे कि अकबर जोधा, नूरजहाँ, जहांगीर, इसी के जो कुछ चित्र हैं जहाँ पे होली का, ये पता चलता है कि यहाँ पे भी होली का जिक्र होता था। इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, राजस्थान के अलवर जिले, जो कि अलवर संग्रहालय, अलवर म्यूजियम के अंदर आप देख सकते हो, वहाँ पे जहांगीर की जो कुछ फोटो है, जो कुछ चित्र है ना, वो होली के साथ में दर्शाई गई है। यानी कि कुल मुस्लिम इतिहासकार के ये कहना है कि होली का त्यौहार न केवल हिंदू धर्म में ही, बल्कि मुस्लिम धर्म के अंदर भी इसका जिक्र देखने को मिलता है। होली का त्यौहार इस तरह से बनाया जाता है कि जो पहला दिन होता है वहाँ पे हम होलिका का दहन करते हैं, उसके बाद में जो दूसरा दिन आता है ना, वहाँ पे रंगों की बौछार होती है, जिसे धुलंडी या होली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, यदि कोई दोस्त हमसे नाराज है तो हम क्या बोलते हैं, बुरा ना मानो होली है, तो उसको हम इसी बात के खेके वहाँ पे उसको रंग देते हैं और उसको गला लगा देते हैं, यानी कि जो इसके अंदर शत्रुता है वो मित्रता में कन्वर्ट हो जाती है। यह है होली का त्यौहार।
ये प्रोग्राम लगभग दिन की दोपहर तक चलता है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उस रंग को छुड़ाते हैं, और यदि छोड़ते नहीं ना तो दूसरे डे में छुड़ाते हैं। इस तरह का ये त्यौहार बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो होली फेस्टिवल है ना, ये बुराई क्यों है? होली फेस्टिवल जो होली उत्सव है ना, इसके अंदर बुराई क्या है? सबसे बड़ी बुराई बात तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि आखिरकार सबसे बड़ी बुराई क्या है। आप लोगों को पता होगा, पहले जो होली खेली जाती थी ना, वो चंदन गुलाब जैसे जो रंग होते हैं ना, जिनके अंदर नेचुरल है, जो उनकी प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, हम उस रंग से होली खेलते थे। पर आज के इस ज़माने के अंदर ऐसे रंग आ गए, ऐसे कलर आ गए जिसमें के अंदर प्राकृतिक तो कुछ है नहीं, पूरा का पूरा केमिकल है। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर लगता है तो कुछ जलन होने लगती है, और जिसके कारण दोस्तों आपकी बॉडी कुछ ना कुछ ख़राब हो जाती है। और इसी के साथ हमारा सबसे बड़ा अंग जिसे हम देखते हैं पूरी दुनिया को, यानी कि आँख के अंदर चला जाए ना तो आँख भी ख़राब हो सकती है। ये सबसे बड़ी इसकी बुराई है। और इसी के चलते आगे जाए ना तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिलती है, जो होली का त्यौहार है ना, इस त्यौहार को बनाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते थे, पहले भांग बनाते थे, पर अब भांग के अंदर भांग नहीं होती, अब तो पूरा का पूरा शराब होता है, यानी कि पूरे पूरे नशेड़ी होते हैं। अपने नशे के चक्कर में जो अपने वाहन होते हैं ना, वो उनको इस तरह से चलाते हैं कि होली के दिन बहुत सारे एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। बस दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जिसमें होली के त्यौहार के अंदर बहुत ही बुरी लगती है, जिसके कारण से कुछ लोग इसको बनाना भी पसंद नहीं करते। तो इस वीडियो के द्वारा आपको ओवरऑल ये पता लग गया कि होली किस तरह से बनाई जाती है, होली का इतिहास क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अरे होरी खेले रघुवीरा यावत में, होरी खेले रघुवीरा। हाय दोस्तों, हम लोग हमेशा ही सोचते थे कि आखिरकार न्यूज आर्टिकल इन सबको हम रीड करके अपनी नॉलेज को बूस्ट करते रहते हैं, और इनके सही मायने क्या है। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने एक पॉजिटिव वीडियो बेस्ट सॉल्यूशन तैयार किया गया। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कुछ वैल्यू मिलती है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही ना, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी के साथ आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका दिन